चढ़ाओ एक लोटा जल। कभी कभी अगर ऐसा लगे जीवन में कि दुख बहुत ज्यादा आ गया है, बहुत तकलीफ आ गई है, तो लाल चंदन को घिस कर उस लाल चंदन का लेपन भगवान शंकर पर कर फिर पानी चढ़ाओ। अगर कोई संकट भारी है और निकट भारी, जैसे किसी नारी का गर्भ नहीं ठहर रहा, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल, जैसे इसने लिखा एक माता ने कि 18 साल की बेटी हो गई थी पर संतान में पुत्र नहीं, तो उसने भाव से कथा सुनी। ऐसे आपके भीतर अगर 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान का सुखी नहीं है, लाल चंदन का लेपन बाबा भोलेनाथ पर करना प्रारंभ करो। पीठिका पर लाल चंदन का लेपन करना प्रारंभ करो। लाल चंदन से बाबा का श्रृंगार करना प्रारंभ करो। एक बेलपत्री पर लाल चंदन, दोनों पत्ती नीचे वाली, जो नीचे की जो दो पत्ती होती है इस पे लाल चंदन और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाकर बाबा के शिवलिंग को समर्पित करिए। बाबा से प्रार्थना करिए, रोज प्रार्थना करो। परंतु एक बात का स्मरण रहे, 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान नहीं, तो पहले जल से अभिषेक कराना। अभिषेक कराकर उस जल का आचमन करने के बाद हाथ को खासा करना, धोना, उसके बाद में फिर वापिस बाबा का स्नान कराओ, फिर चंदन का लेपन कराओ, फिर एक लोटा जल चढ़ाकर बाबा का स्नान कराओ। बाबा का बड़ा सुंदर भाव से लाल चंदन से जो अभिषेक करता है, बाबा को लेपन कर फिर जल चढ़ समर्पित करता है, निश्चित है उसकी गोदी मेरा देव अधिदेव महादेव जरूर भरता है, ये निश्चितता है। हम तो बेटियों से भी कहते हैं जिसका विवाह नहीं हो रहा हो, 25 साल, 30 साल, 27 साल, 28 साल, 32 साल, 40 साल हो गए हो, नहीं हो रहा हो बेटा बेटी का विवाह, उसे लाल चंदन का प्रयोग अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 बिंदी लाल चंदन की लगाकर 7 बेलपत्र 7 बिंदी पर रखिए और महाराज अपनी कामना कर भगवान से आइए, बाबा करेगा 3-4 महीने में विवाह पक्का करेगा। ये लाल चंदन की महत्वता है। करते हैं आपको यह छोटी सी जानकारी समझ आ गई होगी। यदि जानकारी में कोई भी समस्या आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने व सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।